जय जोहार दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ निधि भारद्वाज। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक और मैं अपनी सहयोगी पूजा शर्मा के साथ हाजिर हूँ हमारा खास कार्यक्रम सीजी राउंडअप लेकर। इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ की वो दिन भर की बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है और जिसके चलते प्रदेश का सियासी पारा हाई रहा। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, जो कि है कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक। कांग्रेस की मैराथन बैठकें अब शुरू हो चुकी हैं। 9 और 10 जुलाई को कांग्रेस ने बैठक बुलाई है और आपको बताना चाहेंगे कि विधानसभा लोकसभा चुनाव में जो हार मिली थी उसकी समीक्षा तो पहले ही की जा चुकी है, लेकिन अब आगे की रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है। आज की बात अगर हम करें, 9 जुलाई को कांग्रेस ने जिलाध्यक्षों की बैठक बुलाई थी। जिलाध्यक्षों के साथ ये बैठक की गई है। बैठक में समझने का प्रयास किया गया कि कैसे लोकसभा और विधानसभा में जिलाध्यक्षों ने काम किया, क्या उनकी भूमिका रही, किस कदर जो परफॉर्मेंस था बाकी नेताओं का रहा, इसकी समीक्षा इस बैठक में की गई। साथ ही साथ जो सीनियर लीडर हैं, चाहे वो भूपेश बघेल हो, चरणदास महंत हो, रविंद्र चौबे हो, जितने भी बड़े नेता हैं कांग्रेस के, वो भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं और सीनियर नेताओं के साथ भी कई तरह की चीज़ों की समीक्षा की जा रही है कि आगे संगठन में कैसे काम करना है। क्योंकि आपको बता दें कि अभी थोड़े ही दिनों में मॉनसून सत्र भी शुरू होने वाला है। विपक्ष की भूमिका में अब कांग्रेस है, तो सरकार को घेरने की भी रणनीति बनाई जाएगी कि आखिर सत्र में कैसे मुद्दे उठाए जाए, तो इसे लेकर भी बैठक में चर्चा की जाएगी। इसके अलावा नगरीय निकाय चुनाव आने वाले हैं और नगरीय निकाय के पहले आएंगे रायपुर दक्षिण का उपचुनाव। एक ही सीट पर उपचुनाव होगा छत्तीसगढ़ में, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल जो यहाँ से विधायक थे वो अब सांसद बन चुके हैं। ऐसे में रायपुर दक्षिण, जो कि बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट है, बीजेपी का गढ़ रही है, यहाँ से कौन उम्मीदवार हो सकता है, इसे लेकर भी चर्चा जोरों पर है। क्योंकि बीजेपी का गढ़ है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और किसी मजबूत कैंडिडेट को यहाँ पर उतारना होगा, तो इसे लेकर भी यहाँ पर चर्चा करने की संभावना जताई जा रही है। तो इन्हीं पूरे मसले को लेकर कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक है और ये संभावना जताई जा रही है कि जो गुटबाजी विधानसभा के साथ साथ लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिली, उसे कम किया कैसे जा सके। हालांकि पूजा, इसे लेकर कांग्रेस निरंतर बैठक करती है, बैठकों का दौर हमेशा कांग्रेस में जारी रहता है, लेकिन गुटबाजी वाली और अंतरकलह वाली समस्या आखिर क्यों कांग्रेस में उतनी तरीके से सुलझ नहीं पाती है, वाकई चर्चा का विषय है, मंथन करने का विषय है। और इसी मंथन के दौर से इस वक्त कांग्रेस गुजर रही है। 2 दिवसीय बैठक बुलाई गई है। दोनों ही दिनों की बैठकों में प्रदेश के जितने सीनियर लीडर हैं वो तो शामिल होंगे ही। 9 जुलाई यानी कि आज की बात करें तो आज जिला अध्यक्षों के साथ बैठक हुई है, उनसे चर्चा की गई है और आगे बैठक में क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आएगा ये तो हम आपको बताएंगे। लेकिन आप समझिए कि कांग्रेस अपनी कमर कस चुकी है और बहुत ज्यादा अब सीरियस मोड में आ चुकी है नगरीय निकाय में। अब अपनी इज्जत कांग्रेस बचाना चाहती है, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा में तो बुरी मुंह की इनको खानी पड़ी थी, बुरी तरीके से पटखनी मिली थी। उसके बाद अब इनके पास एक ही सहारा है कि नगरीय निकाय में अच्छा परफॉर्म करें और नगर स्तर पर अपनी सरकार बनाए। तो कांग्रेस अब तैयारियों में जुट गई है, लेकिन बीजेपी कहां पीछे हटती है इनकी बैठकों पर तंज कसने से। जो बीजेपी के विधायक हैं, सीनियर नेता अजय चंद्राकर ने भी इनकी बैठक को लेकर तंज कसा और कहा कि कांग्रेस अब हार चुकी है, इनके पास करने को कुछ नहीं है, तो मीटिंग खेल रहे हैं। तो मीटिंग खेल रही है कांग्रेस और इनकी मीटिंग से भी कुछ रिजल्ट नहीं आने वाला है, ऐसा बीजेपी ने तंज कसा है। लेकिन मीटिंग के बाद क्या कुछ चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि बार बार ये भी संभावना जताई जा रही है कि संगठन में बदलाव होगा, शायद वो प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में कोई और नजर आ सकता है। बार बार ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि दीपक बैज को हटाकर किसी और को जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो ये सब चर्चा का विषय है, चर्चा बैठक के में तो होगी, लेकिन बैठक के बाद जो जानकारी निकलकर सामने आएगी उसके बाद हम आपको चर्चा कर बताएंगे कि आखिर कांग्रेस की मीटिंग में क्या हुआ। तो फिलहाल यही अपडेट था, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर जो आपको हम मेरी सहयोगी पूजा बताएंगी। बिल्कुल, तो साय सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक महतारी वंदन योजना को लेकर लगातार जो विपक्ष हैं वो सरकार पर तंज कस रहे हैं। सबसे बड़ा आरोप तो उनका ये रहता है कि जब साय सरकार सत्ता में नहीं आई थी, यानी जब बीजेपी की सरकार नहीं बनी थी, तो उस दौरान वो हमेशा ये कहते थे कि भाई महतारियों को 1,000 रुपये खाते में दिए जाएंगे। लेकिन जैसे ही सरकार बनी, तमाम तरह के इसमें नियम कानून बना दिए गए और आधे से ज़्यादा जो महिलाएँ हैं वो इस पूरे योजना का लाभ उठाने से कहीं ना कहीं वंचित रह गई। इसको लेकर तो कांग्रेस लगातार साय सरकार को घेरती आ रही है, लेकिन जो क्षेत्रीय पार्टी है JCCJ, अब उसके प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी, उन्होंने भी अब ट्वीट पर एक पोस्ट लिखते हुए साय सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कमोबेश अगर बात करें तो दोनों ही राष्ट्रीय दल मिलकर यहाँ पर जनता को ठगने का काम कर रही है। महतारी वंदन योजना से अभी भी महिलाएं वंचित हैं,
50 लाख महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिल पाया है और कहीं ना कहीं लगातार महिलाओं को ठगने का काम यहाँ पर साय सरकार भी कर रही है। बता दें कि जब यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनी थी तब अमित जोगी जाकर खुद सीएम साय के साथ उन्होंने मुलाकात की थी, अमित शाह के साथ भी मुलाकात की एक तस्वीर उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की थी। तो कहीं ना कहीं ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि बीजेपी की बी टीम कहलाने वाली जेसीसीजे इनके साथ इनका विलय हो जाएगा, लेकिन अब इस पर भी पलीता लग गया है, ये पूरी तरह से बंद कर दिया गया। इस तरह की जो चर्चा है वो बंद हो गई है। और इस बीच फिर एक बड़ी बात निकल कर सामने आ रही थी कि जो जेसीसीजे हैं के प्रदेश अध्यक्ष हैं या फिर हम रेणु जोगी की बात कर ले जो सुप्रीमो हैं, वो भी ये कह रही थी कि डीएनए में कांग्रेस है। तो फिर एक ऐसा अंदेशा लग रहा था कि क्या कांग्रेस की ओर रुख करना चाहती है, लेकिन अभी ये दोनों ही दलों पर इन्होंने निशाना साधा है और कहीं ना कहीं अब तीसरा जो बड़ा चेहरा अगर हम कहें चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी की बात कर ले, क्योंकि जो अमित जोगी है उन्होंने कहा था 1 जुलाई से वो बलौदाबाजार हिंसा को लेकर आमरण अनशन पर बैठेंगे, और क्योंकि शेखर आजाद भी आने वाले हैं तो कहीं ना कहीं सत्तावी समाज के लोगों को बल मिलेगा। हालांकि अमित जोगी ने अनशन नहीं किया, उसके पीछे के जो कारण है वो हमें नहीं पता क्योंकि उनकी ओर से इस पूरे मसले को लेकर अब तक कोई बयान नहीं आया है, तो इस पर हम स्पष्ट रूप से आपको कोई जानकारी नहीं दे सकते। लेकिन कहीं ना कहीं अब अमित जोगी भी अपनी आवाज मुखर करते आ रहे हैं, शायद सरकार को भी लगातार घेर रहे हैं और कांग्रेस पर भी लगातार निशाना साध रहे हैं। तो ये एक बड़ी खबर थी क्योंकि महतारी बंधन योजना से जुड़ी हुई ये खबर थी। और जो अगली बड़ी खबर है, अगली बड़ी खबर अमित जोगी से ही जुड़ी है। अमित जोगी यही वो हैं जो बलौदाबाजार हिंसा को लेकर कहा था कि 1 जुलाई को वो अनशन पर बैठेंगे। पूजा आज हो रहा है 9 जुलाई, 9 दिनों से इनका आता पता ही नहीं है। कहा था कि अनशन पर बैठेंगे, सतनामी समाज के लिए आवाज बुलंद करेंगे, बीजेपी सरकार पर जमकर इन्होंने निशाना साधा था, लेकिन नजर तो नहीं आए। इसका मतलब अमित जोगी क्या है कहना चाहते थे, क्या करना चाहते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बहुत ही ताव के साथ उन्होंने ट्वीट किया था, मीडिया से बोला था कि 1 जुलाई से मैं आमरण अनशन करूंगा, लेकिन 1 जुलाई के बाद वो तो दिखाई नहीं दिए, कहां गायब हो गए अमित जोगी। हमने बात करने की कोशिश भी की, उनके जो पीए हैं उनसे हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि कुछ व्यक्तिगत कारणों से वो बाहर है, लेकिन कहीं ना कहीं सतनामी समाज के लोगों को अब लग रहा है कि उनके साथ क्या वादा खिलाफी हुई है, क्योंकि जिस तरह से बात उन्होंने आवाज तो बुलंद की थी, अब ये सवाल वादा खिलाफी क्या, अब इस तरीके की चीजों के बाद क्या कोई समाज अमित जोगी की बातों पर यकीन करेगा, ये बड़ा सवाल है। जो इतने दिग्गज अजीत जोगी के बेटे हैं, उनके बेटे अमित जोगी अगर अपनी ही बातों पर खड़े नहीं उतरते, किसी समाज की इतनी बड़ी जो इतना बड़ा जो मुद्दा है उस पर आगे इस तरीके से वादा करके नहीं आते, तो बहुत बड़ा सवाल उठता है और मीडिया पर ये बात उठना लाजमी है। अब बलौदाबाजार हिंसा की जब बात आ ही गई है तो इससे ही जुड़ी आज की बड़ी अपडेट मैं चाहूंगी कि पूजा पहले दर्शकों को बताएं कि आज बलौदाबाजार हिंसा से जुड़ा क्या सबसे बड़ा अपडेट था जिससे प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल आ गया है। बिल्कुल, तो इस पूरे मसले को लेकर निधि लगातार हम जैसे कि अपने दर्शकों से हमने कहा ही है कि बलौदाबाजार हिंसा बहुत गंभीर मुद्दा है, इससे जुड़े पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तो आज ये हुआ है कि जो भिलाई नगर के विधायक हैं देवेंद्र यादव, उनको यहाँ पर से एक नोटिस जारी की गई थी, उन्हें वहाँ पर बुलाया गया था। हालांकि उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए कहा कि मुझे दिल्ली रवाना होना पड़ेगा, इस तरह से एक प्रेस नोट उनकी ओर से भी जारी किया गया था। लेकिन अब ये जो मसला है बलौदाबाजार हिंसा को लेकर, लगातार कहीं ना कहीं कांग्रेस इसमें फंसती नजर आ रही है, सरकार भी फंस रही है और कांग्रेस भी फंस रही है, और बाकी जो दल हैं वो दोनों ही पार्टियों पर लगातार निशाना साध रहे हैं। तो ये एक बड़ी जानकारी है। एक और जहां ये जो हिंसा वाली घटना है इसका मामला शांत होते नजर नहीं आ रहा, लगातार ये मामला तूल पकड़ते जा रहा है, और उसके बाद एक के बाद एक परत दर परत अगर कहें कि प्याज के छिलकों की तरह इस घटना को लेकर जो नए नए खुलासे हो रहे हैं, काफी ज्यादा छत्तीसगढ़ की राजनीति को ना सिर्फ चौंकाने वाले ये खुलासे हैं बल्कि गरमाने वाले भी खुलासे हैं, और ये पूरे खुलासों से सरकार भी प्रभावित हो रही है, शायद सरकार के ऊपर भी कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं। गृह मंत्री जो है विजय शर्मा भी लगातार इस पूरे घटनाक्रम को लेकर शिकार हो रहे हैं कि भाई आप गृह मंत्री हैं, गृह विभाग यानी जेल विभाग आपके अंतर्गत आता है, सुरक्षा व्यवस्था इतनी कम क्यों है, इतनी लचर व्यवस्था है कि इतनी बड़ी घटनाएं घटित हो रही हैं। तो बलौदाबाजार अभी तो बिल्कुल ज्वलंत मुद्दा है, तपिश इसकी दिल्ली में भी यहाँ पर महसूस की जा सकती है, दिल्ली तक पहुंच चुका है ये आवाज और सदन में उठाने की बात तो चंद्रशेखर आजाद ने कर ही दी है। बहरहाल अब देवेंद्र यादव को नोटिस जाने के बाद अब फिर से क्या खलबली मचती है, क्या हलचल पैदा होता है, ये देखने वाली बात होगी और जो भी अपडेट होगा वो हम जरूर आपको बताएंगे। और इसी के साथ मैं चाहूंगी निधि, अमित जोगी की बात आपने कही थी तो लास्ट एक क्लोजर की, चलिए ठीक है जो भी व्यक्तिगत कारण रहे होंगे, जब आज उन्होंने सोशल मीडिया के एक्स पर एक पोस्ट किया महतारी बंधन योजना को लेकर, तो कहीं ना कहीं लगा था कि जो भी कारणों की वजह से वो 1 जुलाई को वहां नहीं पहुंच पाए
उनकी जानकारी वो जरूर देंगे या कुछ समस्या या जो भी कारण है वो जरूर यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आया। तो कहीं ना कहीं जो विश्वास घटता नजर आ रहा है सतनामी समाज के लोगों का अमित जोगी को लेकर भी, तो अगली जो बड़ी खबर है वो आप बताएंगे। ठीक है, अगली और अंतिम खबर के साथ मैं आप लोगों को ये जानकारी देना चाहूंगी कि पटवारियों का प्रदर्शन एक बार फिर से शुरू हो चुका है और ये प्रदर्शन सोमवार से शुरू हो गया है। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर प्रदेश भर के 5,000 जो पटवारी हैं वो जा चुके हैं। इनकी 32 सूत्रीय मांगे हैं। इन मांगों को लेकर उन्होंने कहा है कि जब तक सरकार हमारी बातें नहीं सुनती, हमारी मांग नहीं सुनती, तब तक हमारा ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों पर हर जिले में ये जो पटवारी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और जो उनकी प्रमुख मांग है मैं आप लोगों को उसकी भी जानकारी दे दूं। डिजिटल तरीके से पूरा उनका कामकाज हो रहा है, तो इसलिए उनकी मांग है कि कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर जैसी चीज़ें मुहैया कराई जाए, इंटरनेट और वाईफाई की सुविधा दी जाए ताकि आसानी से उनका जो कामकाज है डिजिटल तरीके से वो हो सके। और इसके अलावा उन्होंने मांग की है कि जो भूइयां ऐप है उसका सॉफ्टवेयर ठीक किया जाए या अपडेट किया जाए, क्योंकि सॉफ्टवेयर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे ग्लिच हैं, जिसकी वजह से पटवारियों के साथ साथ आम नागरिकों को भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार कई गलत जानकारी भर दी जाती है, बहुत सारी दिक्कतें होती है और इसकी वजह से आम नागरिक सीधे पटवारियों पर दोषारोपण करते हैं कि उनकी गलती की वजह से उनका नुकसान हो गया, जबकि पटवारियों की कोई गलती नहीं होती है, ये सॉफ्टवेयर की गलती होती है। इसलिए सॉफ्टवेयर जो बना रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा या फिर दर्ज करना चाहिए कि उन्होंने गलत तरीके से इसे बनाया है जिसकी वजह से इतनी समस्या आ रही है। तो इन सभी समस्याओं को लेकर पहले भी पटवारी जो हैं वो जो राजस्व सचिव हैं उनको पत्र लिख चुके थे। उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि 7 तारीख तक हमारी मांगों पर विचार किया जाए, कुछ इसका निराकरण किया जाए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया, जिसके बाद से अब 8 जुलाई से जो पटवारी हैं वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने अभी तक इनके हड़ताल को लेकर किसी भी तरीके का बयान नहीं दिया है, ना ही सरकार की तरफ से भी कोई बयान पटवारियों के लिए आया है कि आखिर इस पूरे मसले को लेकर उनकी क्या पक्ष है, राय की क्या, सरकार की क्या राय है, ये भी अभी हमें पता नहीं है। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि उनके इस आंदोलन से प्रदेश भर का राजस्व का जो कामकाज है वो पूरी तरीके से ठप हो चुका है। अब आप लोग भी अगर किसी राजस्व विभाग के कामकाज से जुड़े हैं और आप लोगों को कोई काम करवाना है तो आप लोगों का कामकाज भी फिलहाल बंद रहेगा, क्योंकि पटवारियों की हड़ताल जारी है और ये हड़ताल तब तक रहेगी जब तक सरकार से उनकी कोई बातचीत नहीं होती और इस बातचीत का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर पटवारी हैं और इसी के साथ आज के हमारे राउंडअप के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप लोगों को कोई भी अपनी राय रखनी है तो प्लीज़ कॉमेंट करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहें छत्तीसगढ़ तक। मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय जोहार।